जीएसटी से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट मुझे लगता नहीं कुछ आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि जीएसटी तो मल्टीपल टैक्सेस का मिला के एक टैक्स बना दिया गया और सिंगल टैक्स। और थोड़ा सा इम्पैक्ट ये आएगा कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग है, अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर पहले सर्विस टैक्स नहीं हुआ करता था, उसकी छूट थी, अब क्योंकि एक ही रेट है पूरा, चाहे वो प्रीमियम हाउसिंग हो या अफोर्डेबल हाउसिंग हो, तो हमने डिमांड की थी कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग है उसमें जीएसटी का दर कुछ कम होना चाहिए। सर आज यहाँ पर क्या कार्यक्रम हुआ, इसका क्या पर्पस है? देखिए, मेन पर्पस तो ये था कि हाउसिंग फॉर ऑल, जो प्राइम मिनिस्टर का सपना है सब लोगों को घर मुहैया कराने का, 2022 तक 6 करोड़ घर बना के डिलीवर करने हैं, तो हम कैसे कर पाएंगे और क्या चैलेंजेस आ रहे हैं उसके ऊपर चर्चा की है। सबसे बड़ा मेन चैलेंज क्या होगा? देखिए, मेन चैलेंज तो सिंगल विंडो क्लियरेंस की बात कर रहे हैं, अगर अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करें या जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हैं उसमें डिले हो रहा है, प्रोजेक्ट क्यों नहीं डिलीवर हो पा रहे हैं उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। क्या मानते हैं रेरा को लेकर लोगों के अंदर एक कंफ्यूजन है? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा कंफ्यूजन है। आप ये देखें, आज जैसे बात हुई है, करीब 20,000 से ज़्यादा प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड हो चुके हैं और कुछ जो प्रॉब्लम आ रही है धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाएगी, एक टाइम की बात है। कल प्राइवेट इक्विटी के ऊपर हम लोग बात करेंगे और फाइनेंस कैसे डेवलपर्स को मुहैया कराया जाए, जो एंड यूज़र को कैसे किया जाए उसके ऊपर बात करेंगे, या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की बात करेंगे, या एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी, और इतने नंबर घर अचीव करने हैं हमारे को, तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में कैसे घर जल्दी से जल्दी बना के लोगों को दिए जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सुना रहा है सर, अभी थोड़ा टाइम जरूर जा रहा है, अभी मंदी दौर से निकल रहा है, मगर मुझे लगता है आने वाले 6 महीने में या 1 साल के अंदर चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी। 1 साल के अंदर चीज़ें सुधरेंगी? सुधरेंगी, बिल्कुल सुधरेंगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी, जो पुराने मकान थे लोग डिलीवर हो जाएंगे, तो लोगों का कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा बेटर होगा। मतलब लगता है अभी इमीडिएटली तो नहीं मुझे लगता, मगर आने वाला टाइम अच्छा ही होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल।